ये बलराम जी का मंदिर है, श्री कृष्ण के बड़े भाई। बीच वाली जो मूर्ति है इनकी आकृति स्वयंभू अपने में प्रकट है। ये शेषनाग अवतार में साधना तपस्या शुरू हुई। तीनों मूर्ति बलराम जी की है। द्वापर युग में जब महाभारत युद्ध चला था, भगवान जी ने इस स्थान पर आके तपस्या की। 16-17 अगस्त को बहुत भव्य मेला लगता है इनका, बहुत बड़ी पूजा होती है। नैनो कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया। अच्छा ना, शांति पीस है ना? बहुत विश मांगी ना उन्होंने? यस। जब विश आएगी तो नानू भी आएगा और मैं फिर से अपना कैमरा उठा के फिर निकल जाऊंगी एक नई सवारी, नई उस पे क्या कहते हैं नानू ट्रिप पे, साथ तो नहीं छोड़ेगा अपनी बहन का? प्रॉमिस कर, प्रॉमिस। इस मंदिर के आगे किसका भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, कभी भी मैं चाहे गलत भी बोल दूं, नाराज भी हो जाएगा, नहीं छोड़ेगा ना? ठीक है, इसने बोलना जरूरी है बीच में। हेलीकॉप्टर वो देखो उत्ते तो यहाँ पे हम गोप्रो लगा चुके हैं और अब हम जा रहे हैं वापसी को। और यहाँ नजारा देखो यार, नाना दोबारा आएगा? बिल्कुल पक्का, बिल्कुल। लेके आएगा हमें? बिल्कुल आऊंगा। कितना बढ़िया नजारा है यार। यहाँ देखो रोमा आलू के पराठे खा रही है और यहाँ पे हमने गोप्रो भी लगा दिया है। और चलो अब चलते हैं फटाफट से, क्योंकि आज ही दिल्ली निकलना है हमने और टाइम क्या हो रहा है, 4:05। तो ये वही जगह है जहाँ उन्होंने अपना पत्थर रखा था, ये रहा और एक ये रहा। चले नोनू भाई, बस एक चीज है सर, समझदार कौन, उन्हें नॉलेज, आपको नॉलेज बहुत है कि कैसे गाड़ी निकलेगी कैसी नहीं, समझदार। देखो कल वो बेचारा ने लाभ साहिल लिया है एक बार में, क्योंकि साहिल ने गाड़ी एकदम नोनू सेफली चलाई है, बहुत आराम से सीधी सीधी चलाई, हालांकि इतना डिफिकल्ट रास्ता है और ये लड़का एकदम पोलाइटली चला रहा था क्योंकि मेरी और नक्शी की तबीयत खराब हो रही थी। क्यों साहिल, ऑफ रोड देख रहे हो कितना है, बीपी बिल्कुल लो हो गया था मेरा, वो तो नॉन की मेहरबानी से मुझे मसाले वगैरह चिपका रही टॉफी थी, ऊपर लोग कैंप भी लगा के बैठे हैं। यहाँ पे मैगी और चाय चल रही है और गागा अंदर गाड़ी चला रहा है। मोटा देखो, मैंने कहा मेरे को बस मेरा पेट भर गया, एक तो खा लिया इसने टोना, मैं साल एक से खा लेते, चलो मैं खा लूंगा। शर्म नहीं वैसे बोलते भी शर्म नहीं है क्या? वो मोटे को पकड़ के जैसे लड़की ने रस्ते में देख 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 साल मोटे लड़की बैठाने आता है, मंदिर मंदिर आए थे हम। अरे ये मच्छर है यार, क्या दोबारा बोलियो ये ना? हाँ यार ये मच्छर ने पप्पी ले ली, मच्छर ने नहीं ली इसकी, वो जो कल सागर आया था ना उससे बड़ी बन रही थी, उसको अंदर ले गया था आधे घंटे के लिए, फिर उसके बाद ही मैंने निशान देखा, सच्चाई है ये।
मोटे क्या कर रहा, हो गया क्या, सच बोल दे, किसकी बड़ी कह रहा है, बस यही अपराध ही हर बार करता है, आदमी है आदमी से प्यार करता है। कह रहा था सपने में आया था सागर, मैं हो गया था पागल, ऐसे उसने मुझे सच बोला, सपने में आया था सागर और मैं हो गया था पागल उसके प्यार में, और हो गया था दिलदार साहिल भैया की कार में। बोलो शायरी बिल्कुल फ्लॉप। तो अभी फिलहाल रोमा कह रही है कि टाइम तो देखो 5:20 हो चुके हैं, तो आज क्या ना फिर रुक जाते हैं, है कि नहीं, और कह रही कल सुबह मेरे को जू लेके चलो क्योंकि मैंने ये भाई देख मेरी लड़ाई जा रही है, नोनू की बिरादरी मिलानी है आपको वहां जू में जाके। ओके ओके साहिल, ओके नोनू को साहिल आएगा और मेरे जैसी भाई, ऐसे ऐसे मोड पर गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आ रहा है यार, और गागा को देखो बड़ा खुश हो रहा है यार, गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट करो साहिल भैया, गाड़ी वीडियो बना रहा हूँ मैं, बहुत फोटो खिंचवा ली तुमने, पारी कर दे चलो चले, और 10-15 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे, मतलब घर नहीं वहाँ घर ही है एक तरीके से, वैसे वो देखा जाए बस गए ना मैं आके, क्योंकि अब जाने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल। तो अभी वहाँ पहुँच के फिर हम देखते कि शायद नहाने धोने कहीं जाए, ससुरदारा जाए या कौन सी जगह बताई थी, माल देवता रिवर है वहाँ पे, नदी है, जो भी है नाम बढ़िया, माल देवता तो या तो वहाँ जाएंगे या तो ससुरदारा जाएंगे, अभी देखते पहले पहुंच जाए 10-15 मिनट में। आपको पता है उसका नाम शस्त्र धारा क्यों है, क्यों वहाँ सारे सब अपने शस्त्र रखते हैं पुराने राजाओं वगैरह शायद, हो गया कर दी मेरा प्रिय वाली बात, आती देखो कैसे हंसता है, शस्त्र का मतलब है सात धारे निकलती है, शस्त्र 7 देखो बस सात धारे निकलती है और एक जगह मिलती है, इतना ये पढ़े लिख लिया था पड़ गया था हाथी को सब, मैं वहाँ पर होके आया हूँ, मेरा क्यूट इज बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, नोनू मुझे घर गिफ्ट कर रहे हैं यार, हाँ मैं घर गिफ्ट कर रहा हूँ, नोनू अभी पहले यहाँ से खड़े होके बाद नीचे देखना पड़ेगा, अभी देख रही हूँ बहुत बदतमीज, रोमा को हाइट से थोड़ा ना डर, थोड़ा सा पूरा ही है, क्या कहना है, क्या रो गई थी, ऐसा कोई नहीं रोई थी, पता नहीं वो पिछले ब्लॉग में काउंट हो गए या इस ब्लॉग में, क्योंकि अब पता नहीं अगर वीडियो लंबी हो गई तो दो पार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, थोड़ी देर में हो जाएगा। हेलो आंटी, देख कितना प्यारा व्यू आ रहा है यार, आ रहा है और 5 मिनट में सनसेट हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, साहिल का भी सेट कर देगी अच्छा अभी चल रहे हैं, अभी चल रहे बस, तो अभी हम फिर से निकल चुके हैं, अब हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं शस्त्र धारा, हम देखो चट्टी वट्टी में आ चुके हैं, ये भी आ चुका है और काका भी आ गया है, और फटाफट से चलते हैं क्योंकि 7 बज चुके हैं, 7 बज गए ना भाई, अभी कितने दिखा रहा है, 21 मिनट दिखा रहा है, चलो आधा घंटा मान के चलो, और आगे ट्रैफिक वाले जा रहे हैं, तो अभी फोन रख देता हूँ, और एक GoPro भी ले लिया हमने वाटरप्रूफ केस के साथ, भाई साहब अभी तक आया नहीं है ससुरदारा, नोनू ने दोबारा लोकेशन लगाई तो फिर आगे दिखा रहा 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर दिखा रहा था ना, ये 18 मिनट दिखा रहा था, 18 मिनट हाँ, और किलोमीटर 8 किलोमीटर तो पहले क्या डाला था तूने, पहले भी 6000 डाला था यार, ऐसे कैसे हो गया, मतलब तो हम 40 मिनट की दूरी पे आ गए और टाइम दिखा 41 हो गए, 7:41 गलत बात है यार, गूगल ने अपना धोखा दे दिया, चलो कोई नहीं अब इतनी दूर आए हैं तो नहीं नहीं करके तो जाएंगे,
है ना काका, नहीं नहीं करनी है ना। तो हम आ तो चुके हैं, मटिया तो पूरा पूरा खाली हो गया, कुछ दिख भी नहीं रहा। नहाएंगे कैसे हम? इसी पानी में नहाएंगे। चलो कोई नहीं, देखते हैं भाई साहब। क्या था, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है काका, कोई नहीं दिख रहा ना। तुम्हें क्या करना फिर? कल मॉर्निंग में आएंगे ना। नहीं पक्का चले फिर? नहीं नहीं करनी है या कल है? ये तो गोदी से उतर ही नहीं रहा। चलो कोई नहीं, कल देखते हैं फिर, कल आएंगे नहीं तो सुबह सुबह। तो कल सुबह जू जाना है, कहाँ जाना है? चलो यहाँ आ जाएंगे, जू चल लेंगे। चलो देखते हैं, कल यहाँ आएंगे या जू जाएंगे। कल टाइमली मॉर्निंग में यहीं आ जाएंगे ना। हाँ सुबह सुबह ना उठते सारी यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे सुबह। फिर होटल जाके नहाई धोई करके जू से फिर सीधा वहीं से निकल ही जाएंगे मेरे ख्याल। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये भी ठीक है। नो नो भाई, कूद गए पानी में, सारा पानी बाहर कर दिया। अरे काका, मोबाइल किसने में लगा हुआ।